ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विषदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 138 आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान् भोगेष्वेवं विचारवान् नानुरज्यति किन्त्वेवात् नानुरज्यति किन्त्वेतात् दोषद्रष्ट्या जिहासति दोषद्रष्ट्या जिहासति जिस ज्ञानी विद्वान को विपरीत भावना की भी निवृत्ति हो गई है और ज्ञान निष्ठा स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं स्थिता प्रतिष्ठिता हम ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञा यस्य तो वो जो ज्ञानी है किमिच्छन् कस्य कामाय किस भोग्य पदार्थ के लिए किस भोक्ता के लिए वो अपने शरीर को संतप्त करेंगे तो उसके लिए कहते हैं कि कल देखा हमने कि
कि जगत मिथ्यात्व भावात्, ये जगत मिथ्या है। अब मिथ्या जगत जो है, मिथ्या जगत के पास हम किसी भी प्रकार के सुख की अपेक्षा, सुख या दुख की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कि गंधर्व पत्तने किंचिद इंद्रजालिक निर्मितम। जिस प्रकार से हम बाजी करके जो जादू देखते हैं, वो जादूगरी में जानते हैं कि वो सत्य नहीं है, तो हम उसकी इच्छा नहीं करते हैं। उससे हमारे मन को प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, लेकिन सत्य बुद्धि नहीं है और इसलिए उनकी इच्छा हम नहीं करते हैं। अब देखो, उसी प्रकार से अब जो दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार से आगे के श्लोक में ही कहते हैं, आपात रमणीयेषु भोगेषु आपात। अगर कोई रमणीय भोग उनको प्राप्त भी हो जाते हैं, अब देखो कोई अनुकूल परिस्थिति भी उनके सामने आ जाती है, वैभव भी उनके प्राप्त हो सकता है। आप समझो, उनको वैभव भी प्राप्त हो सकता है, अनुकूल परिस्थिति भी आ सकती है, रमणीयेषु। आप देखो एवं विचारवान, विचारवान विवेकी है, धैर्यवान है, विचारवान है, तो विचार के कारण क्या करेंगे, न अनुरज्यति, उनमें सुख बुद्धि वो नहीं करता है। अनुरज्यति माने कि उसके किसी भी प्रकार से अनुराग नहीं करते हैं, सुख बुद्धि नहीं करते। आप समझो, राग माने कि सुख बुद्धि है, जहां सुख बुद्धि होगी वहां राग होगा, जहां दुख बुद्धि होगी वहां द्वेष होगा। अब न अनु कहीं पर भी अनुराग वो नहीं करता है। आप समझो, भले इतना रमणीय, रमणीय माने कि अत्यंत मन को प्रसन्न करने वाला भोग भी उनको प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठ प्रकार का भोग भी उनको, वैभवशाली भोग भी प्राप्त हो जाए, लेकिन उनसे अपने मन को वो न अनुरज्यति माने कि उनके कारण मैं सुखी हो गया, ऐसी भावना उनके मन में नहीं होती है। अब देख, संसारी लोग जो है, थोड़ा धन प्राप्त हो गया, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे धन प्राप्त हो गया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, वहां जाऊंगा, इसको बुलाऊंगा। अब देख, तो जो भोग, अनेक प्रकार के भोग है, अगर वो भोग प्राप्त भी हो गए जो मन को प्रसन्न करने वाले हैं, रमणीय यीशु, आप समझो, इतने रमणीय भोग प्राप्त होने पर भी विचारवान न अनुरज्यति, जो ब्रह्म विचार कर रहे, विचारवान माने कि जो ब्रह्म विचार करने वाले जो है, विवेक विचार करने वाले जो है, वो कभी उसमें अनुराग नहीं करते हैं। अब समझो, जिस प्रकार से वो जादूगर का बहुत कुछ देखते हैं, हम पूरी नगरी भी हम देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं, चलो चलो ये बहुत सुंदर नगरी है, हम वहां घर बनाएंगे, हम भूमि वहां से लेंगे, अब कोई आयोजन नहीं करेंगे, पता है। उसी प्रकार से यह जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत होने के कारण किसी भी प्रकार का कोई आयोजन सुख बुद्धि नहीं है, और इसलिए कहते हैं न अनुरज्यति किंतु एतात, इतना ही नहीं, किंतु इतना ही नहीं, दोष दृष्टा जिहासती, उसमें दोष दृष्टि करते। देखो भगवान भी बार बार हमें दोष दृष्टि करवाते है गीता, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते। अब दोष दृष्टि करनी पड़ेगी, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चित, वेद में भी दोष दृष्टि भगवान करवाते हैं, क्यों, वेद वादरता पार्थ नान्यत किंचित अस्ति धनन, और कुछ है नहीं, ऐसे मानते वो तो। स्वर्ग काम परा, वो स्वर्ग परायण है, भगवान उनकी भी निंदा कर रहे थे, भोग की भी भगवान निंदा कर रहे हैं। आप सब इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो जो विषय है, इंद्रियों के सभी विषय के प्रत्ये मन में वैराग्य होना चाहिए, और इसलिए कहते हैं कि वो रमणीय वस्तु में अनुराग तो करता ही नहीं है, लेकिन उसमें दोष दृष्टि भी करते हैं। अब देखो ये दोष दृष्टि जो है वो अलग प्रकार की है, आप समझना ही ठीक से, जगत में रहकर हम जो दोष दृष्टि करते हैं वो अलग प्रकार की है, वहां ईर्ष्या हो सकती है, हमारी अल्पज्ञता हो सकती है, लेकिन यहाँ जो दोष दृष्टि की चर्चा है वो अलग प्रकार की है, आगे समझाएंगे वो। तो दोष दृष्टि है माने क्या है,
पहला तो यह है कि वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। अब जिस प्रकार से आप रण प्रदेश में जाते हैं वहां रेत होती है, और जब गर्मी के दिन होते हैं तो रेत में हमें जल दिखता है। आप देखो तो वो जो जल हमें रेत में दिख रहा है, तो पहले तो उनको सत्य मान के हम उसकी ओर प्रवृत्त होते हैं, लेकिन जब समीप जाते हैं तो हमें बोध होता है कि वहां जल है ही नहीं, ये तो सूखी रेत है, बिल्कुल सूखी है, कुछ है ही नहीं वहां पर। फिर अगर हम वापस दूर जाएंगे तो पुनः दूर हो गए तो वहां पानी दिखेगा। अब वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो गई है, जल दर्शन हो रहा है, तो वो जल मिथ्या है। अब जब मिथ्या है तो फिर उनको प्राप्त करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब उतना ही नहीं, मिथ्या बुद्धि भी हो जाएगी, दुख बुद्धि भी हो जाएगी। संसार के जितने भी भोग हैं वो सब दुख का कारण। आप समझो, आप समझते हो कि मुझे आनंद मिल गया, पुत्र से मुझे आनंद मिल गया। भगवान इसलिए कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, जन्म दुख जाया दुख जरा दुख पुनः पुनः, दुख है ये सब बंधन है। आप सब सत्य बुद्धि करेंगे तो वो बंधन हो जाएगा, दुख मिलेगा। इस प्रकार से जिहासति सर्व प्रकार के भोग के, वो भोग का वो त्याग कर देते हैं। दोष दृष्टि करेंगे, पहले तो मिथ्या बुद्धि है, एक बार मिथ्या बुद्धि हो गई तो प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर शरीर की दृष्टि से भी देखे, भोगे रोग भयम, जितने भी हमारे शरीर में रोग है ना, आप समझ लो, मैं बार बार ये कहती हूं, रोग जितने भी हमारे शरीर में है, अधिकतर रोग जो है वो ये भोग के कारण है। हमारे अयोग्य भोजन, अन्न हम जो ग्रहण करते हैं, अयोग्य अन्न के कारण होता है। आयुर्वेद यही कहते हैं, अगर आपका भोजन योग्य है, ऋतु काल के अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। मेरे दादाजी जो थे वो हमेशा हमसे कहते थे कि जिस ऋतु में जो फल होता है वो फल अवश्य खाना चाहिए। अब देखो वो फल ग्रहण करना है हमें, क्योंकि वो औषधि है। आप समझो, अगर वो ऋतु में वो फल कम ग्रहण करते हैं तो जिस प्रकार से देखो, ये खरबूज जो होता है ना गर्मी के दिन में, नदी की जो बालू होती है, नदी सूख जाती तो वह बालू जो होती है, बालू में ये होते हैं बेल, उनके जो वाटरमेलन जो कहते हैं, बिल्कुल खुला, पानी भी बिल्कुल नहीं है, सूखी बिल्कुल, रेत जहां बालू वहां पर है लेकिन बिल्कुल पानी है नहीं, और ऊपर धूप है। अब देखो फिर भी वो तो पानी से भरा हुआ है। अब देखो तरबूज में अगर आप देखते हैं 90% तो जो 90% जो है वो जल से भरा हुआ है, तो तरबूज जो है, अब देखो तो तरबूज जो है वो पानी से भरा हुआ है, इतनी गर्मी में है, खुले में है। इनका अर्थ ये हुआ, मेरे दादाजी कहते थे कि इनका अर्थ ये हुआ कि ये जो तरबूज जो है वो तरबूज में, भगवान ने तरबूज को ऐसा बनाया है कि ये गर्मी सहन कर सकता है, सूखता नहीं है। अब हम एक दिन गर्मी में ऐसे ही घूम के आ जाते हैं तो लू लग जाती है हमें, क्या क्या नहीं हो जाता है, बुखार भी आ जाता है, तो वो तो वहां ही है। अब तो इनका अर्थ ये हुआ कि अगर ये गर्मी के दिन में, अगर गर्मी को सहन हमें करना है, हमारे शरीर को गर्मी से कोई नुकसान ना हो, तो क्या करना चाहिए, ये तरबूज खाना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो शक्ति है। आप सब तो अगर योग्य प्रकार के अन्न हम ग्रहण करते हैं योग्य समय पर, देखो भगवान कहते हैं ना युक्ताहार विहारस्य, सात्विक भोजन किसको कहते, वो भी भगवान कहते हैं हमें, राजसिक भोजन किसको कहते हैं वो भी भगवान हमें दर्शाते हैं,
सात्विक आहार किसको कहते हैं, राजसिक आहार है, तामसिक है। तो योग्य प्रकार से अगर अन्न ग्रहण करते हैं तो रोग की संभावना कम है, आप समझो। भोगे रोग भयम्, भोग में रोग है, आप समझो। दो बात होती है, भोग में रोग भी है, मानी कि आप अपने ही शरीर के, अपने ही शरीर की हिंसा करते हैं आप। और भोग जितना अधिक आप करेंगे उतनी ही हिंसा ये जगत में भी होगी, दोनों ओर से, आप समझो। जगत में भी हिंसा हो रही है और अपनी भी हिंसा हो रही है, और जहां हिंसा है वहां दुख होना ही है, आप समझो। देखो वेदांत अगर हमें पढ़ना है तो हमारे जीवन की छोटी छोटी बात भी हमें पकड़नी पड़ेगी। महाराज श्री हमेशा इसलिए कहते थे, अगर आप सोचते हो कि हम ये खाएंगे, हम वो खाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, नहीं। ब्रह्म ज्ञान आपका जीवन है, आपके जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण आप कैसे व्यतीत करते हो, पूरे दिन का। देखो भगवान ने दर्शन दिया एक ही श्लोक में, पूरे दिन जो आपका है, आपका दैनिक जीवन कैसा होना चाहिए, तो ये जो रो, ये जो योग है वो आपके दुख की निवृत्ति कर सकता है। युक्त आहार विहारस्य, अगर युक्त आहार है योगो भवति दुखः, तो ये योग जो है आपके दुख की निवृत्ति करने वाला होता है। अगर योग्य आहार ही नहीं है तो दुख की निवृत्ति नहीं होगी, आप समझो। तो भोग में रोग है, दोष दृष्टि करनी पड़ेगी हमें। अब युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टे, युक्त स्वप्नावबोधस्य। अब कितनी निद्रा लेते हो, कितने बार सोते, कितने वक्त तक आप जागृत रहते हो, स्वामी जी हमेशा मजाक करते, लोग जागते हुए भी सोते हुए ही होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जागृत होती नहीं, बिल्कुल यांत्रिक जीवन हम जी रहे हैं। हमारा स्नान करना, हमारा भोजन ग्रहण करना, हमारे बातचीत करना, वो सब यांत्रिक है, आप समझो। माने कि आपकी बुद्धि का तो कोई उपयोग है ही नहीं, आप समझो। अगर कोई स्थान पर आप हर रोज जा रहे हो, अब देखो, तो हर रोज आप वहां जा रहे हो तो एक आदत हो जाती है मन को भी, फिर आपको विचार नहीं करना पड़ता, आप पहुंच जाते, मन कहां कहां घूमता रहता है और आप उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं। इनका अर्थ हो गया कि हमारा जीवन बिल्कुल यांत्रिक है, सावधानता हमारे जीवन में नहीं, और इसलिए दोष दृष्टि करनी पड़ेगी। ये भोग में दोष दृष्टि करनी पड़ेगी, संबंध में भी दोष दृष्टि करनी, जन्म दुख, जरा दुख, आपको जरा माने सर्व प्रकार के जो हमारे संबंध है, जाया दुख संबंध है, जरा दुख या अवस्था जो शरीर की है, वृद्धावस्था, दोष दुख, दोष दृष्टि मानी वो दुख का कारण है, भगवान इसलिए कहते हैं ये ही संस्पर्श जा भोग दुख योन यह एवत, ये दुख की योनी है, मानी कि ये दुख की ओर हमें ले जाते हैं, दुख का कार योनी मानी कारण, आप समझ। दोष दृष्टि करना मानी कि वो हमारे दुख का कारण है, और जो साधक है, जो मुमुक्षु है, उनके लिए दोष दृष्टि क्या है, ये भोग मुझे आत्म चिंतन से, तत्व चिंतन से दूर ले जाने वाला। आप समझ रहे, इसलिए आगे हम देख के गए, अन्य वाचा विमुंचद वाचो विज्ञापनम ही तत, कम से कम बोलो आप। पहला नियम ये मौनम आत्म विनिग्रह, बोलना क्यों आवश्यकता पड़ती है हमें बोलने की। कई बार लोग बोलना आरंभ करते हैं, बोलते रहते, बोलते रहते, अब
मौन मानी की मन, देखो मन का मौन जो है वो मानसिक तप है, मानस तप है, आप समझ, माने कि मन में बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कई बार पूज्य स्वामी जी के साथ हम बैठते थे, सत्संग कराते थे स्वामी, फिर कई बार स्वामी जी ऐसे चुप हो जाते, जब तक सामने वाला कुछ पूछ नहीं रहा है हमें कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। तो दुख दोष है वहां पर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, दोष दृष्टि माने कि उसके प्रति हमें तिरस्कार की भावना नहीं करनी, आप समझ, द्वेष भाव नहीं करना है, द्वेष भाव की यहां कोई बात नहीं है, तिरस्कार की कोई भावना नहीं है, आप समझना ये ठीक से। दोष दर्शन भगवान क्या कहते, दुख दोष अनुदर्शन, वो एक ही दोष, वो दोष क्या है, दुख है, आप समझ, किसी भी प्रकार के भोग में हिंसा है, और हिंसा है तो फिर वहां दुख होगा, आप समझ, भोगे रोग भयम, अब भगवान भी कहते दुख यो नय एवते, जो विचारवान जो वो क्या करेगा, आगमाहा पाइनाहा नित्याहा, देखो भगवान कहते हैं ये आने जाने वाले हैं, अनित्य है, दोष दर्शन करना है ना, तो पहला मिथ्या, पहली मिथ्या बुद्धि है, अगर मिथ्या बुद्धि नहीं हो रही है तो दुख का दर्शन करो, दुख रूपी दोष है वो भी नहीं हो रहा, अनित्यता देखो वहां पर, अनित्य है, जो अनित्य है स्वयं, तो अनित्य जड़ होता है, उस विकारी होता है, उसमें सुख नहीं हो सकता है, दोष माने की उनकी अनित्यता आप देखो, उनकी मिथ्यात्व आप देखो, उनमें दुख जो है वो देखो आप सब, भय है वहां पर आप सब, और इसलिए कहते हैं दोष दृष्ट्या जिहा सती, सर्व भोग के प्रत्यय सर्व व्यक्ति के, आप देखो दोष दर्शन करना पड़ेगा, दोष दर्शन माने कि वो मिथ्या है, उसमें दुख है, जो दोष है वो दुख रूपी दोष है वहां पर, अनित्यता का दोष है वहां पर, यद दृश्यम तद जडम तद अनित्यम, आप देखो सुख और ज्ञान का अधिष्ठान चैतन्य होता है, जड़ कभी भी नहीं, जड़ वस्तु से आपको सुख नहीं मिल सकता है, ये आपकी भ्रांति है, भ्रम है, धन मुझे सुख देगा वो सुख नहीं दे रहा है, वो सुरक्षा प्रदान करेगा, सुविधा प्रदान करेगा, आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन वो सुविधा में आप सुखी है दुखी है वो आपके ऊपर आधारित है, कितना भी धन प्राप्त करके भी लोग दुखी रहते हैं, आप समझो, और इसीलिए वो अनित्यता है, जड़ता है, जड़ में दुख सुख नहीं हो सकता, जड़ कभी भी आपको आनंदित नहीं कर सकता, आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ये तीन प्रकार से मिथ्यात्व का दोष हम देख सकते हैं, दुख रूपी दोष हम देख सकते हैं, अनित्यता का दोष हम देख सकते हैं, हम व्यवहार में जो दोष करते हैं वो नहीं है यहां पर, व्यवहारिक जो दोष हम देखते हैं उसमें तो हमें द्वेष भाव होता है, तिरस्कार की भावना होती है, अवगणना की भावना होती है, यह वो बात नहीं है, और इसलिए कहते हैं दोष दर्शन करके करना क्या है, जी हाँ सती छोड़ दो, कई लोगों को मैं कहती हूं ये छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको आदत बन गई है, अन्य एक प्रकार के लोगों के साथ, अन्य एक प्रकार के भोग के साथ हमें आदत बन जाती है, फिर हम वो छोड़ नहीं सकते, और इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है, जिस तो ज्ञान निष्ठा प्राप्त हो गई है, जी हाँ सती, आप देखो वो छोड़ने की इच्छा करेंगे, जी हाँ सती, आप समझो, माने कि उनको पकड़ने की वो इच्छा नहीं करे है, तो ठीक है, आगते स्वागतम कुर्यात, देखो ये सन्यासी का जीवन है, जो आ रहे हैं उनका स्वागत कर दो, गच्छन्तम् न निवार्ते, कोई जा रहा है उसको निवारण करने की आवश्यकता, जा रहे जाने दो,
महर्षि इसलिए कहते थे जो छूट रहा है उसे छोड़ दो, क्योंकि वैसे ही वो तो छूट ही रहा है, आप पकड़ो कि नहीं पकड़ो वो छूट ही जाएंगे। धन है, पुत्र है, भोग है, वो छूट रहा है, लेकिन हम उसको पकड़ के बैठे। शंकराचार्य जी यही कहते ये कि काल का चक्र जो है वो चल रहा है, काल के चक्र में अन्य सर्व प्रकार का परिवर्तन भी हो रहा है। आप तो वो परिवर्तन के काल चक्र के साक्षी है, आप समझ। दिन्याम अन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायातः। दिन रात्रि, सायं प्रातः शिशिर वसंतौ, काल क्रीडति, ये काल चक्र चल रहा है, आप उनके साक्षी है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से उनकी अनित्यता का दर्शन करो, दुख रूपी दोष उसमें रहा है, आप जहां पर सुख देख रहे हैं वह सुख है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष अगर उनको रमणीय भोग प्राप्त भी हो जाते हैं तो उसमें कभी भी किसी भी प्रकार से अनुराग आसक्ति नहीं वो करते हैं। मिलता है तो भोग है ठीक है, उनमें अनुराग करने की आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं, उतना ही नहीं दोष दर्शन करके उनका त्याग करने की इच्छा करते हैं। जी हाँ सत्य। तो ये दोष दर्शन क्या है आप देखो, दोष दर्शन कैसे करना है तो आगे के श्लोक में दर्शा। अर्थनामर्जने क्लेशः, अर्थनामर्जने क्लेशः, तथैव परिपालने, तथैव परिपालने, नाशे दुःखं व्यये दुःखं, नाशे दुःखं व्यये दुःखं, दिगर्थात् क्लेशकारिणः, दिगर्थान् क्लेशकारिणः। अर्थान् अब देखो भोग में तो दुख है, आप देखो भोग माने काम, आप देखो अब अर्थ जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भोग में तो दोष दृष्टि करेंगे। अब अर्थ जो है धन है, आप देखो अर्थ माने विविध प्रकार के जो द्रव्य हम जगत में प्राप्त करते हैं, तो वो जो द्रव्य है वो जो धन आदि है, अर्थान आमर्जने क्लेश है, वो द्रव्य की प्राप्ति के लिए हमें अनेक प्रकार का क्लेश प्राप्त होता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आप देखो शरीर को भी क्लेश होता है। तो कहते हैं कि धनोपार्जन करने के लिए भी क्लेश होता है, उतना ही नहीं तथैव परिपालने, उनका परिपालन करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके लिए भी हमें क्लेश है। अभी कोई मुझे पूछ रहा था कि मुझे इतना रिटायर हो गया, अभी इतना धन मुझे प्राप्त होगा, मैं कहां उसको कर दूं, कहां इन्वेस्ट करूं, तो उनकी रक्षा में भी क्लेश है, आप समझो चिंता हो रही है, क्लेश माने एक प्रकार से चिंता है। प्राप्त करने में भी परिश्रम है, उनका परिपालन करने में भी चिंता है। नाशे दुखम, अब जो व्यये दुखम, उनका नाश हो जाता है तो दुख होता है, उनका व्यय होता है माने कि उनका उपयोग करते हैं तब ये दुख होता है। नाशे दुखम व्यये दुखम, दिक् अर्थान क्लेशकारिणः, दिक् दिक् माने कि क्या आवश्यकता है, क्यों क्लेशकारिणः, ये तो क्लेश करना है, क्लेश कराते हमें, हमारे मन में अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं। आप देखो धन भी हमें, धन हम सुरक्षा देखते हैं, वही धन के कारण तो हम चिंतित होते हैं, रात को नींद भी नहीं आती हमें। अब वो धन जिसके कारण आपका रात की नींद चली गई, आप उनको सुरक्षा देख रहे हो, आप देखो आप समझो जिस धन में आप सुरक्षा देख रहे हैं वही धन तो आपका दुख का कारण है, क्लेश कारिणः।
जिस पुत्र में आप दुख देख रहे, सुख देख रहे, आजकल आप देखिए, पुत्र है पुत्री है अन्य नगर में वो धनोपार्जन कर रहे हैं और माता पिता यहां अकेले हैं। और इसीलिए दोष दुख का दोष तो है ही, लेकिन जो अर्थ जिसको हम कहते हैं, धन आदि जिसको, धन है, गृह है, द्रव्य जिसको, उनमें भी क्लेश ही है, दुख ही है। आप समझो, क्योंकि प्राप्त करने में भी क्लेश है, उनकी रक्षा करने में भी क्लेश है, और जब उनका नाश हो जाता है तभी दुख होता है, और उनका व्यय भी जब करते हैं तभी दुख होता है। और इसीलिए अर्थ भोग में भी दुख है, अर्थ में भी दोष है। आप देखो आगे के श्लोक में, भोग में जो दोष दृष्टि दर्शाई, उसी प्रकार से यहां अर्थ में भी दोष दृष्टि है। आप देखो, दिख माने उनको दिक्कत, देखो ये तिरस्कार की भावना नहीं करनी, क्लेश दर्शन करके हमें उसमें सुख ढूंढने की, सुरक्षा खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जीवन जीने के लिए धन भी आवश्यक है, द्रव्य भी आवश्यक है, भोग भी आवश्यक है। देखो इसलिए कहते हैं, हरेक भाषा में, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती है, कुछ भी भाषा, एक सर्वसामान्य ये वाक्य है, यू लीव टू ईट और ईट टू लीव। अब जीवन के लिए भोजन ग्रहण कर रहे हो कि भोजन ग्रहण करने के लिए जी रहे हो, आपका जीवन किसके लिए है? तो अन्न जो हम ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के पोषण के लिए है। हम आगे देख के गए साधन पंचक में, वही कहते हैं शंकराचार्य कि हमारे उदर में जो है क्षुद्व्याधि, क्षुधारूपी व्याधि है हमारे उदर में, भिक्षा औषधम भुज्यताम, भिक्षारूपी औषधि हमें प्राप्त करनी, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम। आपका उदर ये नहीं देख रहा है कि आपने शिखन खाया है, पेटिस खाई है, आपका उदर ये नहीं देख रहा है कि पूरी खाई कि शिखन खाए, दाल बाटी का। आपका उदर जो देख रहा है वो बिल्कुल अलग है, आपकी जिह्वा जो है, देखो इसलिए गुजराती उसके में लुली बाई कहते हैं, वो बिल्कुल नरम है लेकिन आपको बिल्कुल कड़क रखती है। आपके कंठ तक ही स्वाद है, आप समझो, कंठ के नीचे जाएगा कोई स्वाद नहीं है। उदर में एक बार अन्न गया, फिर उदर जो पाचन क्रिया करता है, आप जो पाचक रस है उदर में, वो क्या देखते हैं? प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, फैट क्या है, बस वही देखते हो। उनको पूरी या श्रीखंड या कुछ कोई संबंध नहीं, आपने पूरी खाई है कि रोटी खाई है कि नान खाया है, वो तो वही देखते हैं कि कितना प्रोटीन और कितना कार्बोहाइड्रेट है। स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, मिल गया तो ठीक है लेकिन उनकी याचना मत करो आप। भोग में भी दोष है, अर्थ में भी दोष ही है, क्योंकि उनको प्राप्त करने में भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, क्लेश होता है, उनकी रक्षा के लिए भी क्लेश है, और जब व्यय करते हैं, जब हम उसका उपयोग करते हैं तभी हमें दुख होता है। अरे इस बार तो बहुत खर्च हो गया, इस महीने ज्यादा खर्च हो गया, तो व्यय में भी हम तो दुखी होते हैं। जब किसके लिए आपने खर्च किया, आपके लिए खर्च किया, तो दुखी क्यों होते हैं? होता है व्यय दुखम अर्थान क्लेश कारिण। और इसीलिए ये जितने भी अर्थ द्रव्य जो है, धन गृह आदि जितने भी द्रव्य हमारे जगत में है, वस्त्र भी वही है, आप समझना, जितना भी वस्तु का उपयोग हम जीवन जीने के लिए कर रहे हैं वो सब द्रव्य जो है, वो द्रव्य भी क्या है? क्लेश कार्य, हमें क्लेश कराते हैं, हमारे मन में क्लेश उत्पन्न करते हैं।
और इसीलिए उसमें कभी भी हमें सुख या सुरक्षा देखने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं। अब कहते हैं कि ये जो शरीर है, आप समझो, ये हमारे शास्त्र की एक विशेषता, उसमें कोई ये नहीं है। वैदिक काल में सामान्यतः पुरुष लोग घर छोड़ के साधु जीवन जीते थे और उनको उनसे अन्य लिंग माने स्त्रीलिंग, तो स्त्री के प्रति दोष दर्शन कराने के लिए श्लोक लिखते हैं। लेकिन अगर स्त्री महात्मा है तो उसे पुरुष शरीर में देखना पड़ेगा। अब उसमें कोई स्त्री की निंदा नहीं है, यहां समझो, यहां स्त्री की निंदा नहीं है, शरीर की निंदा है। अगर कोई पुरुष को स्त्री में सुख दिखता है तो वो कैसे, वो सुख जो दिख रहा है वहां दोष दृष्टि कैसे करे, तो वो दोष दृष्टि कैसे करनी है, फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, आप समझ रहे, उसमें कोई स्त्री का विरोध है क्या, पुरुष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्त्री के शरीर में जिस प्रकार से दोष है, पुरुष शरीर में भी वही दोष है। और इसीलिए आगे का श्लोक है, श्लोक देखिए, मांस पांचालिकायास्तु मांस पांचालिकायास्तु यंत्रलोले अंग पंजरे यंत्रलोले अंग पंजरे स्नायव्यस्थि ग्रंथिशालिन्याः स्नाव्यस्थि ग्रंथिशालिन्याः स्त्रियः किमिव शोभनम् स्त्रियः किमिव शोभनम् स्त्रियः किम शोभनम। अब देखो, स्त्री के शरीर में क्या शोभा है, हमको सुंदर दिखती है, अब देख गए हम सुंदर के बारे में, लेकिन अगर शरीर जो है वो है क्या, आप देखो, मांस पांचालिक है, मांस की बनी हुई पुतली है, यंत्र लोलेंग, आप देखो, अंग पंजरे कठपुतली जो होती है ना, एक कठपुतली है, और उनका शरीर जो बना हुआ किसका बना हुआ है, स्नायु अस्थि ग्रंथिशालिन्याः, स्नायु है, अस्थि है, रक्त है, मेद है, धातु जिसको कहते हैं ना आयुर्वेद में, धातु कहते हैं, ये त्वचा है, स्नायु है, अस्थि है, रक्त है, मेद है, मज्जा है, अस्थि में मज्जा होता है, ये धातु है, धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। देखो इसलिए मैं कहती हूं, भगवान ने इस शरीर को ऐसे बढ़िया से पैकिंग किया है कि हमें इतना सुंदर दिखता है, ये त्वचा का इतना बढ़िया पैकिंग करके रखा है, थोड़ा उसको उतार दो समझ में आ जाएगा क्या है अंदर। अगर ये त्वचा को हम निकाल देंगे, फिर जो शरीर हमें दिखता है वो क्या है, सुंदर है क्या। और इसलिए कहते हैं ये इतना ही बना हुआ, किम शोभनम स्त्रिया, फिर स्त्री की शोभना क्या है, शोभा माने की सुंदरता क्या है, कोई नहीं, स्त्री मानी मैंने कहा स्त्री नहीं, पुरुष भी वही है, पुरुष का शरीर भी स्नायु अस्थि मज्जा मेद वहीं से बना हुआ है। मनुष्य शरीर जो है वो इस प्रकार से बना हुआ है, तो अगर ये दृष्टि हम करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार से उसके प्रत्येक हमें प्रेम भाव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, जिस प्रकार से यंत्र लोले अंग पंजरे, अंग पंजर कठपुतली के अंग जैसे नाचते हैं ना, उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन वो जो अंग का पंजर बनी, अंग का जो लोलन है, चेष्टा कहते हैं,
वो अंग की चेष्टा से हम मर जाते हैं। आप देखो कितने पुरुष इतने होते उस स्त्री के पीछे पागल हो जाते हैं, उनकी दृष्टि जो है क्या क्या नहीं देखते लोग, और वो देख के इतने पागल होते उसके पीछे। गजगामिनी देखो मीनाक्षी, उनकी आंख बहुत सुंदर है, उनकी चाल बहुत सुंदर है। एतन मांस विकार, बजगोविंद में शंकराचार्य यही कहते स्नायु है, मांस है, रक्त है, इसी से बना हुआ है, उसमें कोई प्रेम करने का कुछ है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं ये देह के प्रति भी ये भाव होना चाहिए। जिस प्रकार से जो बाजीगर होता है वो कठपुतली को नचाता है, अनेक प्रकार की अंग अब होते, चेष्टा अनेक प्रकार की होती, उसी प्रकार से ये शरीर है, लेकिन उसके एक एक अंग जब भंगी होती है, अंग भंगी के प्रति हम पागल हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं किम शोभनम, उनकी सुंदरता क्या है। तो स्त्री को अगर पुरुष बहुत सुंदर दिखता है तो उसके शरीर के ये चिंतन हमें करना पड़ेगा। स्त्री को पुरुष शरीर में दोष दर्शन करना पड़ेगा, पुरुष को स्त्री शरीर में दोष दर्शन करना पड़ेगा, और एक समझ बनानी पड़ेगी कि ये शरीर में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अब भगवान ने ये शरीर बहुत बढ़िया बनाया है, हम कि लोग पागल हो जाते हैं, स्पर्श से भी लोग पागल होते हैं, आप समझना। देखो इसलिए जो साधक लोग होते हैं, सदाचार अनुसंधान में हमने देखा था कि कम से कम स्पर्श होना चाहिए, अन्य व्यक्ति अन्य प्राणी का स्पर्श नहीं। देखो इसलिए कुत्ता है ये सब जो है ना, ठीक है आप रखो, लेकिन उनको आदत होती है, वो बार बार आपको स्पर्श करते रहते, कम से कम स्पर्श शास्त्र में लिखा है। अन्य स्त्री का स्पर्श नहीं होना चाहिए, अन्य पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए। माता पत्नी भगिनी ये स्पर्श है। अब माता को स्पर्श कर सकते हो, स्त्री का अपनी पत्नी अपनी बहन अन्य किसी का, उसी प्रकार से पति है, पिता है, भाई है, वहां ये सीधा स्पर्श है, अन्य किसी पुरुष स्त्री के साथ नहीं। आजकल तो लोग ऐसे ऐसे भेटते हैं ना, पता नहीं क्या कहते उसको हिंदी में, दे हग, गिव मी हग। आप देखो क्यों, क्योंकि ये जो स्पर्श है ना, माता के स्पर्श जो होता है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं, माता का जो स्पर्श उनको सुरक्षा देते है। तो छोटे बच्चे के लिए है ये, लेकिन एक बार हम बड़े हो गए फिर स्पर्श नहीं होना चाहिए। पुत्र पुत्री का स्पर्श है वो भी जब तक वो बड़े नहीं होते, आप समझो, क्योंकि ये शरीर जो है ना, शरीर में भी हमें सुख बुद्धि होती है, और इसलिए वहां पर दोष दृष्टि करनी पड़ेगी। अर्थ में दोष दृष्टि करते, भोग में दोष दृष्टि करते, उसी प्रकार से ये देह में भी दोष दृष्टि करनी पड़ेगी, क्योंकि ये देह जो है भगवान ने पैकिंग करके रखा है, बहुत सुंदर दिखता है। इसलिए कहते हैं स्त्रियाम किम शोभनम, किस प्रकार की शोभा, किस प्रकार की सुंदरता है। स्वामी जी इसे कहते थे कि अगर कोई आपको बहुत सुंदर दिखता है, स्वामी जी कहते वेट फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्ष आप देखें, 10 वर्ष के बाद जब आप उनको देखते हैं ना, आपको सब समझ में आ जाए।
परिवर्तन विकारी है, ये शरीर में विकार आना ही है। आप कितना भी करो, कितना भी योग करो और कितना भी प्राणायाम करो, जितना करना है करो, वृद्धावस्था आती है, विकार होता है। तो ये शरीर विकारी है, इनमें कोई सुंदरता है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से ये शरीर में भी हमें दोष दृष्टि करनी, अर्थ में द्रव्य में भी दोष दृष्टि करनी पड़ेगी, भोग में भी दोष दृष्टि करनी है। तो जो कहा उनका उपसंहार करें, दोष दृष्टि की बात हुई, इनका उनके त्याग की जिहासति, त्याग की इच्छा होनी, त्याग की इच्छा माने कि उनको पकड़ रखने की कोई इच्छा ही नहीं है। तो ठीक है, छूट गया तो छोड़ दो। और इसलिए आगे कहते हैं एवमादिषु शास्त्रेषु दोषा सम्यक् प्रपंचिताः, दोषा सम्यक् प्रपंचिताः, विमृशन् अनिशन्तानि कथं दुःखेषु मज्जति। एवम् आदि माने अन्य सर्व, हमारे जो संबंध है सर्व प्रकार से। शास्त्रेषु दोषाः सम्यक् प्रपंचिताः, वार्तिकेय मुनि कहते हैं मैं नहीं ये कह रहा हूं कि ये सब में दोष है, शास्त्र ही प्रपंचिता, विस्तार पूर्वक शास्त्र इनकी चर्चा करते हैं, स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक ये दोष चिंतन हमें कराते हैं शास्त्र, शास्त्र में ही ये दर्शाया। देखो इसलिए मैंने कहा गीता में भगवान यही कह रहे, सर्वशास्त्र में ये बात है। दुख भी है, अनित्यता भी है, जड़ता भी है, भय भी है। आप देखो भर्तृहरि मुनि क्या कहते हैं, सर्व वस्तु में भय है, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। ये शरीर है, देह है कृतांतिक, ये देह है तो मृत्यु का भय है, शास्त्र वाद भय। अगर आप जानते हो, आप मानते हो कि मैं बहुत शास्त्रज्ञ हूं, कोई ना कोई आपको चैलेंज करने वाला मिल जाएगा, वाद करेगा आपके साथ, और ऐसे वाद करेगा कि आपको पराजित कर सकता है। शास्त्र वाद भयम, बले रिपु भयम। अब आप समझते हो मैं बहुत बलवान हूं, तो आपसे भी कोई बलवान निकलेगा, कोई ऐसा शत्रु मिल जाएगा जो आपसे भी बलवान है। ये भय है सब स्थान पर, सर्वं भयान्वितम्। जगत की एक एक वस्तु आप देखो, हर एक वस्तु में कहीं ना कहीं भय रहा है। तो फिर वैराग्य जो अभयता है वो कहाँ है? सर्वं भयान्वितम् वैराग्य अभयम्। जो अभयता है वो वैराग्य में है, मानी पकड़ने में, अनुराग करने में नहीं है। अब भय दृष्टि भी करते, भय भी एक प्रकार से दोष दृष्टि है, आप समझ। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार की दोष दृष्टि हमें शास्त्र करवाते हैं, और दोष दृष्टि स्पष्ट रूप से प्रपंचिता हमारी स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक कहते हैं। तो हमें क्या करना, विमृशन अनिशमतानी, कहानी जितने भी भोग है, जितने भी द्रव्य है, सबके प्रति अनिशम, अनिशम मानी दैनिक, हर रोज निरंतर क्या करना पड़ेगा, विमृशन, उसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा।
जिस प्रकार के शास्त्र हमें दोष दर्शाते हैं उसी प्रकार से हमें भी वो दोष दर्शन करना है। आप वो दोष दर्शन करेंगे, निरंतर ये दोष दर्शन अगर हम करते रहेंगे तो क्या होगा, कथम दुखेषु मज्जति, तो हमारे मन में ये भाव आएगा कि ये दुख में क्यों पड़े रहना है, मज्जति दुख में क्यों पड़े रहना है, छोड़ दो माने क्या है, उसमें से सुख बुद्धि छोड़ दो। जीवन जीने के लिए तो हमें आहार भी चाहिए, संबंध भी है, धन भी है, सब है, लेकिन इनके कारण मैं सुखी हो जाऊंगा, इसके कारण मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, नहीं। ये सुख और सुरक्षा की भावना जो हम ये सब में रखते हैं, उस सुख और सुरक्षा की भावना में छोड़नी है। और इसलिए कहते हैं कथम दुखेषु मज्जति, तो ये दुख देने वाले जो है उसके अंदर मैं क्यों डूबता रहूं, क्यों पड़ा रहूं, नहीं पड़ना। और इस प्रकार से क्यों ज्ञानी जिहासति, ज्ञानी क्यों छोड़ने की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनको दोष दर्शन होते हैं, और इसीलिए ये जब सब देखते हैं, रमणीय भोग भी प्राप्त होते हैं उनको, बहुत कुछ प्राप्त होता है जीवन, पर किसी भी प्रकार से कहीं पर भी वो अनुराग नहीं करते हैं, असंग भाव से रहते हैं, साक्षी भाव से रहते हैं। आप सब तो ज्ञानी भी जो है ये जगत में ही रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अनुराग आसक्ति नहीं करते हैं, सुख बुद्धि वो नहीं करते हैं। और इसी प्रकार से हमें भी साधक के बने हुए हैं, तो हम साधक लोगों को भी उसी प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत करना है, उसी प्रकार से हमें भी विचार करना है, दोष दर्शन करना है। आगे हम कल देखेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरी ओम।